दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश की। बेसिकली बच्चे ये कह रहे थे कि आपके प्लेलिस्ट में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश मतलब MEG का जो कोर्स है वो नहीं है, उसकी डिटेल नहीं है, तो प्लीज आप इस पे वीडियो बनाएं। तो बच्चों के डिमांड पे जो है MEG की वीडियो बनाई गई है, तो आपको हम डिटेल में बताते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश आप जो है इग्नू से कैसे कर सकते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, क्या कोर्स की फीस होती है, कितने कितने रुपए जो है इसमें लगते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो MEG है आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, ये आपका 2 साल का कोर्स है जिसे आप मैक्सिमम 4 साल में कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 साल से करने का मतलब ये है कि अगर आपकी बैक आ जाती है तो 4 साल तक, या फिर कोई भी चीज जो है पेपर आपके एग्जाम छूट जाते हैं तो 4 साल तक जो है इसका रजिस्ट्रेशन आपका रहता है। 4 साल के अंदर आपको जो है अपनी MEG कंप्लीट करनी होती है। मिनिमम एज की बात करें तो इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप 18 साल से कम है, या फिर मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं होती कि 35 ईयर से अगर आप ज्यादा चले जाते हैं तो आप इसको नहीं कर सकते, तो इसमें कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास किसी भी संस्थान की एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जैसे एक DU, इग्नू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या कि आपके एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स इसमें नहीं बताया गया कि आपके 55 या 60% मिनिमम रहनी चाहिए, तो इसका कोई भी सिस्टम नहीं। मतलब आपने बैचलर अपनी जो है ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप जो है अपना मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश कर सकते हैं, तो ये चीज है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 12,000 रुपए जो है ये टोटल फीस होगी इसके कोर्स की, जिसमें आप 6,200 फर्स्ट ईयर और 6,200 सेकेंड ईयर आप जो है इसकी फीस पे करेंगे। बाकी एग्जामिनेशन फीस आपकी लगती है हर एग्जाम से पहले, जो कि पर सब्जेक्ट होती है 150 रुपए समथिंग में, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने सब्जेक्ट वाइज कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली ये था आपका मास्टर ऑफ इंग्लिश। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो भी बच्चे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश करना चाहते हैं उन्हें जरूर बताएं कि ये वीडियो है, इसमें पूरी डिटेल है। तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो जो है कोर्सेस की डिटेल अगर चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट के सेक्शन में। तब तक थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।